हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज कुमार करौरिया, 94वें भाप विधानसभा, आम आदमी पार्टी। अच्छा करौरिया जी, आप ये बताइए, विधानसभा में आप किस बात में खड़े हुए हो? भाप विधानसभा से खड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से। अच्छा अच्छा आम पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, तो आप जनता के लिए क्या सोचा है? जनता के लिए सबसे पहले हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है, और महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री, और ये अपना गायों के लिए प्रत्येक गांव में शौचालय का निर्माण, और अपना ये जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, आप गांव गांव जा रहे हो, तो आप क्या पार्टी तरफ से प्राथमिकता लेके जा रहे हो, क्या क्या जनता को बता रहे हो? हमारी जो पार्टी की जो पहली प्राथमिकताएं हैं, जो भी अपने पार्टी के जो भी आम आदमी पार्टी के जो एजेंडे हैं, हम उसी पे कार्य कर रहे हैं। बिजली फ्री, बस का किराया फ्री, गायों के लिए गौशाला का निर्माण, और उनकी मॉनिटरिंग। अच्छा, अगर आपको जनता ने मौका दिया तो आप क्या करना चाहोगे जनता? सबसे पहले जो यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे हैं, सबसे पहले मैं उस पर काम करना चाहूँगा। जैसे कि एक यहाँ के स्टेडियम की कमी है, जो सबसे पहले अति आवश्यक है। मेडिकल का होना, मेडिकल कॉलेज का होना अति आवश्यक है। यहाँ पर जो गायों के लिए सब जन समस्याएँ हैं, उस पर सबसे पहले मेरे को ध्यान केंद्रित करना है, और यहाँ पर प्रत्येक गांव में गौशाला का निर्माण करा के उनकी मॉनिटरिंग कराना है। और आप जनता के क्या वादे कर रहे हो गाँव गाँव में? जनता के बीच में जो भी हमारी पार्टी के वादे हैं, हम उनको लेके आगे बढ़ रहे हैं। आप जनता के लिए कुछ कहोगे? मैं जनता के लिए यही कहूँगा कि बाकी जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है, और आगे भी मुझे ऐसे प्यार मिलता रहे। मैं इसी के साथ में, और मैं एक वादा करना चाहता हूँ कि आपका विधायक आपके द्वार के योजना के अनुसार हर सुख दुख में मैं आपके साथ तत्पर रहूँगा। जिनवार टाइम न्यूज, आपका स्वागत है, आपकी धन्यवाद। धन्यवाद। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।